ज्ञान दिवाने देवता पिता ज्ञाति पितावंता भौते आंधी भौत ज्ञापी भद्य दिनापी माँ। अगर कोई देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक में जाता है। अगर कोई पितरों की पूजा करता है वो पितरलोक में जाता है। अगर कोई भूतों की पूजा करता है वो भूतलोक में जाता है। अगर कोई भगवान की पूजा करता है भगवान की शरण में चला जाता है। आप पहले अपना नाम बताएं। प्रियंका कंवर। तो आप इस क्लास के टीचर हैं? हाँ, मैं इस स्कूल की पहले प्रिंसिपल रह चुकी हूँ और अभी अच्छा। टीचर हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली अभी जो है हम रंगीला भाई के साथ हैं। भाई, इस गांव का क्या नाम है? गांव को कहते हैं रामदेव मोहल्ला, क्योंकि यहां रामदेव का मंदिर है। ओके, हो गया। रामदेव मोहल्ले में अभी हम आए हुए हैं। देख सकते हो, ये गजाली हिंदू कम्युनिटी स्कूल और हिंदी में भी नीचे लिखा हुआ है SRD, यानी कि श्री राम देव। स्कूल में क्या कुछ पढ़ाया जाता है वैसे? यहाँ पर है ना, हमें धार्मिक शिक्षा हो गया और यहाँ पर उर्दू इंग्लिश जो भी है वो मुकम्मल यहाँ पर 8वीं तक शिक्षा दी जाती है। ठीक, होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आप लोगों को ये स्कूल विजिट कराएंगे। तो अभी हम चलते हैं स्कूल में। और फ्रेंड्स, देख सकते हो यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। तो उनमें वो सिखाया गया है जय श्री राम बोलते हैं। क्या बनना चाहोगे? डॉक्टर बनना है। अच्छा, कुछ पढ़ के सुनाओ। हमने देखा एक रोबोट, पहना था वो अमर कोट, धीरे धीरे चलता था वो, डैड डैड चलता था वो। क्लैपिंग होनी चाहिए बच्चों। आपका नाम? लक्ष्मी देवी। ठीक, हो गया। आप कौन सी क्लास में बेटा? थ्री क्लास में। बहुत अच्छे। तो आपने क्या सोचा है फ्यूचर में क्या बनना चाहेंगे? तो यहाँ पे कौन कौन सी शिक्षा दी जाती है? धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है। मतलब कुछ पूछ सकते हैं? जी, पूछ सकते हैं। तो बेटा आप सुनाओ कुछ धार्मिक चार मंत्र। हरिओम तत्सत, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, विश्वेश्वराय, आदिप्राय, शप्रम्पा, अलेपशाय नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवा धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, जय श्री राम। आप सुनाए गायत्री मंत्र। आप पहले अपना नाम बताएं। प्रियंका कंवर। प्रियंका कंवर। हरिओम तत्सत, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, विश्वेश्वराय, आदिप्राय, शप्रम्पार, अलेपशाय नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवा धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरे राम हरे राम, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, जय श्री राम। जय। गुड, बहुत अच्छे, थैंक यू। तो इसके साथ और क्या क्या कुछ मतलब यहाँ पे रंगीला भाई पढ़ाया जाता है? यहाँ पर गीता जी का ज्ञान भी दिया जाता है, हमारे जैसे धर्म के बारे में बताया जाता है। हमारे धर्म के बारे में बताया जाता है और गीता जी का ज्ञान भी दिया जाता है। ये स्कूल में मतलब हमारे हिंदू कम्युनिटी के ही है? जी, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम भी पढ़ते हैं बच्चे। उनके अच्छा। यानी के सब अलग अलग टीचर। देख सकते हो जो पूरी क्लास है यहाँ पे। करीबन कितने बच्चे होंगे? तकरीबन 100 के ऊपर होंगे बच्चे। तो देख सकते हो बस छोटा सा स्कूल है, बहुत ही बढ़िया स्कूल है जहाँ पे 100 से ऊपर बच्चे होंगे। भी आती है इनको सब को। नाम जाओ, प्रार्थना सुनो, चारों मंत्र भी सुनो। हरिओम तत्सत, हरिओम नमः भगवते वासुदेवाय, अर्पणा शप्रम्पार, अलेपशाय नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं राम भर्गो देवा धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरे हरे राम हरे राम राम राम, हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, जय श्री राम। इतना प्यारा बच्चा हो, इतना छोटा सा हो के इतना स्पीड के साथ इतने मंत्र याद है। ये कौन सी क्लास में बच्चा? ये नर्सरी क्लास है। नर्सरी क्लास के छोटे छोटे बच्चे। अंदर बड़ी क्लास बैठे हैं, बैठे हुए। तो सर जी, यहाँ तक कौन सी क्लास तक है? प्राइमरी है? ये मिडिल तक है। मिडिल तक, 8 तक है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आ जाएगा। ये कौन सी क्लास है? 1 6 तो दीदी, ये मेरी बेटी है दीदी। आपका नाम? प्रियंका कंवर। तो आप इस क्लास के टीचर हैं? हाँ, मैं इस स्कूल की पहले प्रिंसिपल रह चुकी हूँ और अभी अच्छा। टीचर हूँ। तो आपकी खुद की क्वालिफिकेशन? मेरी मैट्रिक। मैट्रिक की हुई है। तो आगे भी स्टडी चल रही है? आगे स्टडी हालात नहीं बन रहे। अच्छा, तो आगे फ्यूचर में वैसे क्या आपने सोचा? फ्यूचर में मैंने अपना एक सेंटर खोला और अच्छा अच्छा तो सेकंड टाइम में मैं अपनी सिलाई जारी रखती हूँ, बच्चों की सिलाई ट्रेनिंग दे रही हूँ। तो आप बहुत अच्छा काम करें, हम चाहते हैं कि ऐसे ही आप काम करते रहें। भगवान आपका हर सपना पूरा करें। धन्यवाद।
जी हिंदी वगैरह भी पढ़ाते हैं, हिंदी के मतलब धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है और दूसरी भी हिंदी की बुक्स खोले निकाल हिंदी का कायदा नहीं तो फ्रेंड्स हिंदी का कायदा ये कौन सा कायदा है पहली ये देख सकते हो पहली तो कुछ पढ़ के सुनो रथ लाटू बुक शिशु सजम टोकन सशस्पेरा आवाइजन की क्यों कितनी कात तशूर की क्यों ज्ञान बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत बढ़िया तो सर जी ये मतलब कब से ये स्कूल होगा 2015 से चल रहा है ये 2015 से ये चल रहा है यानी कि यहाँ पे मैं 5 साल तक प्रिंसिपल मैं रहा हूँ अच्छा फिर उसके बाद धार्मिक एक्टिविटी की वजह से मैंने ये स्कूल जो है अभी छोड़ा हुआ है यानी आप धार्मिक एक्टिविटी की वजह से आपने छोड़ दिया था ठीक है और अभी चला फिर भी मेरे अंडर में ही चल रहा है आपके अंडर में ही है वगैरह सब कुछ मेरे हिसाब से ठीक हो गया बहुत अच्छा क्योंकि यहाँ पे धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है क्योंकि हमारे लोग धार्मिक शिक्षा से बहुत ज्यादा दूर है क्योंकि हमें भगवान ने सहूलत दी है कि हाल के तमाम बच्चे हिंदू कम्युनिटी के हैं जी फिर इसलिए उसको हम मौके से फायदा उठाते भेज रखते हैं उनके बच्चों को तालीम तो दुनिया की तालीम बाकी स्कूल भी हैं उन स्कूलों से डिफरेंट इसलिए है कि यहाँ पर धार्मिक तालीम भी देते हैं बिल्कुल अभी बच्चों से भगवदगीता के सवाल पूछेंगे रामायण के सवाल पूछेंगे हर बच्चे जो है ना बड़े अच्छे तरीके से बताएंगे ठीक है हमारे भगवदगीता के क्या नाम है कितने अध्याय हैं कितने श्लोक हैं किसके कितने श्लोक हैं और श्लोक भी पढ़ के सुनाएंगे संस्कृत में सुनाएंगे कहते हैं ना कि दरख्त के जड़ में पानी लगा तो पूरा दरख्त हरा भरा हो जाता है इसलिए बचपन में धार्मिक तालीम दीजिए बिल्कुल ये भी अच्छी बात तो फ्रेंड्स अब हम बाहर चलते हैं और यहाँ पे देख सकते हो बाकी बच्चे कितने शांत से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं देख सकते हो ये भी बच्चे आपका नाम जी संध्या आपका नाम प्रेम आप कौन सी क्लास में हो जी नर्सरी तो फ्रेंड्स ये नर्सरी क्लास है ये सारी नर्सरी है ना ये ईसवी नर्सरी तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं सेकंड क्लासरूम में फाइव क्लास अच्छा चलें बारे बारे या सबसे पूछ रहे मतलब जिसको आएगा वो जी हमारे धर्म का नाम क्या है सनातन धर्म के क्या मानी है सनातन धर्म के मंत्र कितने हैं इस धर्म की मुकद्दस किताब का क्या नाम है भगवत गीता के क्या मानी है भगवत गीता कितने अध्याय पर मुश्तमल है इसमें कुल कितने श्लोक हैं भगवत गीता का सबसे पहला श्लोक किसने अदा किया धृतराष्ट्र ने पहले अध्याय का नाम क्या है दूसरे अध्याय का नाम भगवत गीता में आत्मा के मुताबिक क्या बताया गया है भगवत गीता का ज्ञान सबसे पहले किसको दिया गया भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान के कितने श्लोक है हनुमान चालीसा सुना श्री गुरु चरण सरोज रज नीचे मन मुकर सुधार बनो रघुबर विमल सो जो दायक पलचार बुद्धिहीन तन जान के शिवरु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हुए हरो क्लेश का जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीस जागर राम दूत धामा अंजन पुत्र पवन सुधामा महावीर विक्रम बजरंगी कुंती निवास स्वंत के संग कंचन वरन विराज सवेसा कानल कुंडल कुंडल कैसा हाथ वजर और सदा विराजे कांधे मोर जनियो साजे शंकर सवन केसरी नंदन तेज पता मां जगवंदन विद्या इवान गणियो चातुर राम काज करने को आत प्रभु संवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सुख समृद्ध सही दिखावा विकट रूप दर रख जलावा भीम रूप दर सजवारे रामचंद्र के कार सवारे लाई सजीवन लखन जियावे सिर ईर हर कुलावे रघुबत किनी बहुत बराए तुम मैं प्रेम रेशम बाई सहज बजर तुम रोयस गावे जिसके सिर पर कांट लगावे शंकर दीपन मानी मनीषा नारद सारस सहज ऐसा जान कभी दिखबाल जास कभी कभी कह सके कहाँ से तुम रघुबास सभी यकीना राम मिलाए राजवतीना
तुमरो मंत्र भविष्यन मानो तुमरो मंत्र भविष्यन माना लंके सर्वे सब्जक जाना सहज भजन तुम रो यज्ञ यज्ञ सहज जिन पर बानो लीलो ताए मदर पर जानो पर उनका बैल घुमाए जल्दी लागे दुर्गम का जगत के जेते दुर्गम का जिसके कहते सुगम नागरा तुम दे देते राम द्वारे तुम रखवारे हो राम द्वारे तुम रखवारे हो तना गया उससे आगे सब सुख लही तुम्हारी चंदा तुम रो शक्का एक को डन्ना अपन ते सवार हो आपे तीनों लोग घास से काफे बुद्ध प्रसाद विकन नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाशी रो खड़े सब पीला सपत मनंदन हनुमत बीरा शंकर से हनुमान चुड़ावे मन कर ज्ञान दिलावे सपा राम तस्वीर राजा तन के घास कल तुम सजा और मनोरथ जो कोई दावे सोई मन जीवन बल पावे चारों जग ताप तुम्हारा है पर सी जगत जियारा साधु संग के तुम रखवाले असन गंदा नाम द्वाले अष्ट दिनों निधि के दाता ईश्वर दे जानकी माता राम साईं तुमने पास सुधार और मत के दाता तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख भी दामी अंत कार गोर पल जाई जा जन्म मन भक्त गाए और देवता जितना धरी हनुमत से सोख सो करी संकट के टेम टे सा पीड़ा जो तुमरे हनुमत बल बीरा जय जय हनुमान हुसैं कृपा करो गुरुदेव की राय जो सर पार पार कर कोई जूठी मंदी मास कोई जो अपने हनुमान चालीसा हो या सी गरी गरी तुलसीदास दाह तेरा लीजे नाथ दे मैं डेरा पवन तनिया संकट हर मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहिस्ते जय महाराज की जय अवेश कुमार हनुमान चालीसा मंत्र कितना लंबा है मतलब उसको याद करना भी अपने आप में मतलब बहुत बड़ी परीक्षा से कम इन सब बच्चों को जो है हनुमान चालीसा गायत्री मंत्र सारे मंत्र हमारे चार मंत्र वो भी आते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवसदिं नहि देवो यो न प्रचोदयात् 5 क्लास इन बच्चों को मतलब कि हमारे धर्म के अनुसार सब कुछ आता है तो ये सब सर की मेहनत है मतलब फ्रेंड्स इन सबको भी याद कराया जा रहा होगा इनको याद करवा रहे हैं तो फ्रेंड्स इन तो फ्रेंड्स देख सकते हो इन छोटे छोटे बच्चों को भी भगवत गीता और सारे गायत्री मंत्र वगैरह धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए ज़रूरी है वो भी हमारे लिए क्योंकि हम सनातनी हैं तो हमारे लिए धार्मिक शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है इधर ना असेंबली में जो मॉर्निंग में जो होती है सबसे पहली क्लास पत्रम पुष्पम श्लोक सुना पत्रम पुष्पम फलतो यम योगे भक्ता प्राप्ति सदा हम भक्ति अपरतम स्वामी प्रीति अगर कोई प्रेम और सदा से मुझे फल फूल पानी और पत्ता भी अर्पण करता है तो मैं ऐसे सत्कार करता हूँ धन्यवाद बहुत अच्छे पायल कौन लक्ष्मी सुना सुना सर्वे पापे भियो मुक्षे स्यामी वासुजे सब सब धर्मों के छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा चिंता मत करो बहुत अच्छे तो फिर देख सकते हो ना कैसे मतलब और कोई श्लोक और किसी को सुना है सुना दो धर्मस्ते ग्लान भक्ति भावते स्वामी अभ्योतानम वद्रमस्ते जब भी और जहाँ भी धर्म की कमी होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं अवतार लेता हूँ आपको जो याद है वो आपको जो याद है यम यम आपके सिमरन भाव आप जो सुना रहे उसका बारे में बता दे कि ये सुना मैं नौवां अध्याय श्लोक नंबर 26 अभी ये सुनाने वाले हैं नौवें अध्याय का श्लोक नंबर 25 नौवें अध्याय का श्लोक नंबर 25 भगवत गीता ज्ञाते देवाने ज्ञाते देवाने देवता पिता ज्ञाति पितावंता भौते आंति भौत ज्ञापी मध्य ज्ञापी माँ अगर कोई देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक में जाता है अगर कोई पितरों की पूजा करता है वो पितरलोक में जाता है अगर कोई भूतों की पूजा करता है वो भूतलोक में जाता है अगर कोई भगवान की पूजा करता है भगवान
भगवान की शरण में चला जाता है। बहुत अच्छे ना, धार्मिक शिक्षा बहुत ही अच्छे तरीके से दी जाए। 2015 से स्टार्ट किया हुआ ये, और 2015 से ये स्कूल चल रहा है। लेकिन बेसिकली मेरी जो है ख्वाहिश थी वो तो तकरीबन 99 से शुरू है। 99 से यहाँ पे जो धार्मिक शिक्षा है वो आप दे रहे हैं ना? हाँ मैं दे रहा हूँ, फिर मेरी बेटी है वो रिमशा कॉल, वो वो टीचर आपकी बेटी है। जी। स्कूल का नाम गजाली हिंदू एजुकेशन ट्रस्ट। गजाली एजुकेशन ट्रस्ट। फ्रेंड्स आप लोगों ने विजिट किया ये गजाली ट्रस्ट, जिसमें हमारे हिंदू बच्चों को ये धार्मिक शिक्षा और मेयारी दूसरी जो लोकल तालीम है वो भी दी जा रही थी, दोनों एजुकेशन दी जा रही। तो ये सभी बहुत ही अच्छा लगा।